हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बाईपास कर सकते हैं अगर आप अपने विंडोज कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का पासवर्ड भूल चुके हैं तो, बहुत इजीली एंड फास्ट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप अपने कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट करिए, देन आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करिए। आप अपने बूट मेन्यू की को प्रेस करिए, जैसे कि मेरे केस में F12 है। यहाँ पर आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बूट मेन्यू की को देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट करिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आप रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करिए। यहाँ से आप ट्रबल शूट पे क्लिक करिए, देन एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप टाइप करिए C:, देन प्रेस एंटर, देन टाइप CD:Windows, देन प्रेस एंटर, देन टाइप CD:System32, देन प्रेस एंटर, देन टाइप copy:utilman.exe/utilman1.exe, देन प्रेस एंटर, देन टाइप copy:cmd.exe/cmd1.exe, देन प्रेस एंटर, देन टाइप del:utilman.exe, देन प्रेस एंटर, देन टाइप rename:cmd.exe/utilman.exe, देन प्रेस एंटर, देन टाइप एग्जिट, देन प्रेस एंटर। आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब हमारा कंप्यूटर थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बॉटम में इस स्मॉल आइकन पे क्लिक करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप टाइप करिए Ctrl:Username:2, देन प्रेस एंटर। आपके सामने यूजर अकाउंट्स का एक विंडो पॉपअप हो जाएगा। आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। आप यहां से एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पासवर्ड नहीं रखना, देन आप ओके पे क्लिक करिए। आप ओके पे क्लिक करिए, देन CMD को क्लोज कर दीजिए। अगर आपने अपना पासवर्ड रीसेट के टाइम चेंज किया है तो आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। अगर आपने नहीं रखा है पासवर्ड कोई, तो आप सिंपली एंटर प्रेस करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, देन कमेंट बिलो।